हेलो फ्रेंड्स, मैं शगुफ्ता, आपकी गार्डनर फ्रेंड। आज आपसे फ्रेंड्स मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट मैक्सिकन पिटूनिया के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, मैक्सिकन पिटूनिया के मेरे पास दो कलर्स अवेलेबल हैं। एक ये देखिए पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं इसमें, और सेकेंड है देखिए ये इसमें पर्पल आता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही सुंदर प्लांट होता है फ्रेंड्स। और ये मैक्सिकन पिटूनिया, जैसे हम लोग जाड़े में विंटर्स में हम लोग पिटूनिया लगाते हैं तो वो बहुत सारे कलर्स उसमें अवेलेबल होते हैं, इसी तरह ये समर के पिटूनिया होते हैं। इनमें फ्रेंड्स तीन कॉमन कलर आता है, वाइट, पिंक एंड पर्पल, ये तीन कॉमन कलर होता है। और मेरा सजेशन है कि जो भी न्यू गार्डनर्स हैं उनको अपने गार्डन में इस प्लांट को ज़रूर से ऐड करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत हार्डी प्लांट होता है और जो भी न्यू गार्डनर्स होते हैं उनको इतना आइडिया नहीं होता, तो उसमें इसको लगाने से उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये इस तरह का प्लांट है फ्रेंड्स कि ये ईजली ग्रो हो जाता है। इसका जो फ्लावरिंग टाइम होता है फ्रेंड्स वो आपका फेब से स्टार्ट हो के ये आपका अक्टूबर नवंबर तक बहुत बंचेज में इसमें फ्लावरिंग आती है। मेरा थोड़ा सा फ्रेंड्स, मैं थोड़ा बिजी थी जिस वजह से मैं इनके ये जो भी फ्लावर्स स्पेंट हो चुके थे इनको रिमूव नहीं कर पाई, तो इसलिए इस टाइम में इसमें थोड़ा फ्लावरिंग कम है, अदरवाइज़ इसमें बंचेज में फ्लावर्स आते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, सभी को अपने गार्डन में ये रखना चाहिए। तो आज फ्रेंड्स इसी की थोड़ा सा केयर आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फर्स्ट थिंग ये फ्रेंड्स कि आप जब भी इसको, ये बहुत चीपेस्ट प्लांट है, मतलब आपको किसी भी नर्सरी में ये आपको 20 से 30 रुपए की रेंज में ईजली मिल जाएगा। और ये पेरिनियल प्लांट है, अगर आप इसको एक बार लगाते हैं फ्रेंड्स तो ये सालों साल आपके गार्डन में बना रहेगा, और एक पौधे से आप पता नहीं कितने सारे पौधे आप बना सकते हैं इससे, एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स आप इसमें बना सकते हैं। मैं प्रूनर लेके नहीं बैठी हूँ इसलिए मैंने हाथ से ही इसको तोड़ दिया, जो भी इसके सूखे ब्रांचेस थी। तो फ्रेंड्स आज आप से इस बारे में बात करने वाली हूँ कि जब आप इसको नर्सरी से लेकर आते हैं फ्रेंड्स तो आपको ये करना होगा कि इसको वेल ड्रेन सॉइल देना होगा। सॉइल में आप लेंगे एक हिस्सा अपनी आप मिट्टी लेंगे, गार्डन की सॉइल, एक हिस्सा आप उसमें वो जो रेत बालू आता है वो लेंगे, और एक हिस्से से थोड़ा कम आप इसमें खाद डालेंगे। इसको कोई बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती फ्रेंड्स, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये एक जंगली प्लांट होता है, लेकिन आजकल इनके जो फ्लावर्स इतने खूबसूरत होते हैं इसलिए इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और आपको हर एक गार्डनर के पास ये प्लांट ईजली देखने को मिल जाएगा। वैसे तो फ्रेंड्स ये एक जंगली प्लांट है, ये रोड साइड वगैरह में खुद से ही निकले होते हैं, और ये बहुत अच्छा सा, अगर आप लैंडस्केप वगैरह बना रहे हैं तो ये ग्राउंड कवर बहुत अच्छा करते हैं, पूरे ग्राउंड को ये अच्छे से कवर कर लेते हैं, पूरे ग्राउंड में ये फैल जाते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि इनकी थोड़ा सा आप केयर क्या कर सकते हैं। इनकी केयर में फ्रेंड्स आपको ये करना है कि आपको इनको सनलाइट जैसे कि है तो आप इनको कम से कम, जैसा कि ये समर पिटूनिया नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इसको अच्छी सनलाइट चाहिए, 7-8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट भी आप अगर इसको रखेंगे तो ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। और इसमें देखिए बर्ड्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आते हैं, हालांकि मैंने इतनी केयर नहीं की लेकिन उसके बाद भी देखिए इनमें बर्ड्स कितने ज़्यादा आए, और ये बंचेज में फ्लावरिंग करता है, एक साथ बहुत सारे फ्लावर्स इसमें आते हैं, तो आप इसको 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट देंगे तो ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। और जब भी ये फ्लावर्स खिल जाएं तो ये स्पेंट फ्लावर को आप रिमूव करना ना भूलें, इनको इस तरह से आप तोड़े जाइए। और फ्रेंड्स आप बात करते हैं कि वाटरिंग, तो फ्रेंड्स इसको कोई बहुत ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती, इसकी मिट्टी में बस एक नमी हल्की बनी रहे, और ये ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट है, मतलब बहुत हार्डी प्लांट है। अगर आप एक आध दिन किसी वजह से आप पानी देना भूल गए तो इसका कोई नुकसान नहीं होगा, ये उसको भी टॉलरेट कर लेगा और अच्छे से चलता रहता है।
अब आप अगर इसमें फर्टिलाइज़र की मैं बात करूं तो कोई इसको बहुत ख़ास फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है फ्रेंड्स। आप मंथ में जो भी अपने सभी तरह के फ्लावरिंग प्लांट को आप लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं, लाइक काउडंग कंपोस्ट का लिक्विड हो गया या फिर आप बनाना पील्स दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, तो आप उसको भी इसमें वंस अ मंथ ऐड कर दीजिए। कभी कभार आप इसमें सीवीड लिक्विड को ऐड कर दीजिए, 3-4 ml 1 liter वाटर में डिसॉल्व करके आप अपने प्लांट में दे दीजिए, और देखिए ये बहुत जल्दी बुशी हो जाता है। मतलब ये एक प्लांट से इसके थोड़े थोड़े टाइम के बाद ये इसकी जो सीड्स होती हैं ये मेच्योर होके आपके पॉट में खुद ब खुद गिरती रहती हैं लाइक दिस, और ये अपने आप न्यू न्यू प्लांट जर्मिनेट करता रहता है। तो अगर आप इसको एक बार लगा लेंगे, तो छोटा सा भी पौध लगा लेंगे, तो ये आपके पूरे पॉट को ऐसे कवर कर लेगा। और अगर आप टाइमली इसकी अच्छे से कटिंग प्रूनिंग करते रहते हैं तो बहुत झाड़ी नुमा एक बुश टाइप में छोटा ट्री बन जाता है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ इस पे इंसेक्ट अटैक की, तो इस पे कॉमनली जो मैंने देखा हुआ है, इस पे आपका मिली बग का अटैक मैंने बहुत ज़्यादा देखा हुआ है। पूरी पूरी ब्रांचेज में इसके मिली बग लग जाते हैं, जो कि आपके प्लांट को, आपके प्लांट के जो भी न्यूट्रिशंस आप देते हैं उनको सक करते रहते हैं। समटाइम्स इसमें स्पाइडर माइट्स भी लग जाती है, तो इन सबको अवॉइड करने के लिए फ्रेंड्स आप वंस अ मंथ इसमें नीम ऑयल दीजिए, और या फिर आप इसमें इमीडा क्लोप्रिड दे सकते हैं। देखिए जैसे मैंने अभी बताया ना, इसमें मिली बग का अटैक, क्योंकि मैं इतना टाइमली देती रहती हूँ नीम ऑयल और इमीडा क्लोप्रिड, तो मेरा फैला नहीं है। अदरवाइज ये एक एक ब्रांचेस पे ऐसे ये गुच्छे के गुच्छे से पूरी ब्रांच को ऐसे ये कवर कर लेता है वाइट कलर का। थोड़ा रहेगा तो आप इसको नीम ऑयल में डिश वॉश ऐड करके उससे देंगे, ये उससे चला जाएगा। और फ्रेंड्स इस ये विंटर्स इनका डोरमेंसी पीरियड होता है, विंटर्स में ये प्लांट तो हरा भरा रहेगा, सही भरा रहेगा। समटाइम्स ये अपनी लीव्स येलो करके गिरा देता है, लेकिन जैसे ही स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होता है इस ये अपनी न्यू ग्रोथ स्टार्ट कर देता है और इससे फ्लावरिंग आना शुरू हो जाती। तो बस फ्रेंड्स ये एक छोटी सी कुछ टिप्स थी, जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपने गार्डन को और खूबसूरत बना सकते हैं। और इस प्लांट को मेरा सजेशन है आप लोग ज़रूर इसको वो करिएगा। और इसकी लीव्स देखिए कुछ इस तरह की पतली पतली लीव्स आती हैं, मैक्सिकन पिटूनिया, ये आपको 20 से 30 रुपए की रेंज में मिलेगा। फ्रेंड्स आप लोग जब भी कोई भी प्लांट परचेस करने जाते हैं तो उसको एक बार आप लोग गूगल पर सर्च करके या फिर यूट्यूब पर देख कर ही जाया करिए, अदरवाइज़ नर्सरी वाले बहुत बार बेवकूफ़ बना के उल्टा सीधा प्लांट थमा देते हैं। तो अगर आप खुद से देख के समझ के जाएंगे तो वो लोग बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे, और इनका जो ये फ्लावर रहता है वो सिर्फ वन डे के लिए ही रहता है। एक दिन इनका फ्लावर खिला रहेगा, नेक्स्ट डे वो इस तरह से मुरझा के गिरने लगेगा। तो वो फ्रेंड्स आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। फ्रेंड्स सॉरी मैं इधर काफ़ी टाइम से बहुत बिज़ी थी, किसी वजह से मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रही थी, बट अब मैं पूरी कोशिश करूँगी टाइमली डेली वीडियो डालने की। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके फ्रेंड्स बाय।